हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी मलाई के लड्डू। इस लड्डू को बनाने के लिए हमने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में 1/4 कप घी डालेंगे। अब हम 1 कप के करीब सूजी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप सूजी ऐड किया है। घी में हम सूजी को फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे लो मीडियम में ही सूजी को फ्राई करना है, जिससे कि सूजी का कलर चेंज ना हो। और सूजी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक सूजी से थोड़ी सी खुशबू ना आने लगे। कम आंच में हमें सूजी को फ्राई करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल को भी ऐड कर सकते हैं। और सूजी के साथ हमें इसे भी फ्राई करना है। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता डाला है। आप चाहे तो इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट ऐड करने से इसमें थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आता है। अब हम इसे कम आंच में और 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है। सूजी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप मलाई यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे जो मलाई यूज़ किया है वो घर की नॉर्मल मलाई है। आप चाहे तो इसके बदले मार्केट का भी मलाई यूज़ कर सकते हैं। मलाई को ऐड करने के बाद हमें इसे सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मलाई अच्छे से सूजी में मिल सके। सूजी और मलाई को ऐड करने के बाद इसे कम आंच में और 5 मिनट इसे फ्राई करेंगे, ताकि मलाई सूजी में अच्छे से मिक्स हो सके। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए या फिर सूजी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सूजी को ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो आप यहाँ पे मीठे के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची एसेंस यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इसके बदले इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश ऐड किया है। आप चाहे तो किशमिश को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे इसी तरह ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इसमें दूध ऐड करूँगी, जिससे कि इसमें अच्छा सा बाइंडिंग बन सके। तो दूध यहाँ पे मैंने गुनगुना गरम दूध लिया है और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के बदले आप चाहे तो इसमें मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक बार सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बनाना तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूध ऐड करने के बाद इसके लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। आप अपने इच्छा अनुसार से छोटे या फिर बड़े लड्डू तैयार कर सकते हैं।
इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमने यहाँ पे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने यहाँ पे सूजी को कम आंच में फ्राई किया था, इसलिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। आप इस लड्डू को इस गणेश पूजा में ज़रूर बनाइए और इसे 10 से 15 दिन के लिए बाहर भी रख कर यूज़ कर सकते हैं।